Starting with the name of Allah Almighty, in today's lecture we are going to continue our discussion regarding the chapter number 15, amalgamation of your book, that is advanced accounting by Hanif Mukherjee. Fine. In this video we are going to discuss illustration number 3. Illustration number 3 में वो एक कंपनी के बारे में कह रहे हैं कि राजनीगंधा लिमिटेड इज ऑब्जर्व बाय वसुंधरा लिमिटेड, यानी वसुंधरा लिमिटेड ने राजी गंधरा को एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, यानी ये अब एक्विजिशन की एक्टिविटी हो रही है. द कंसिडरेशन ऑफ बींग टेक ओवर ऑफ लाइबिलिटीज़ ऑफ पेमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी उन्होंने सारी बातें आपको बताई हैं. हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14. अब उन्होंने यहाँ पे हमें कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से कह रहे हैं कि आपने परचेज कंसिडरेशन कुछ कुछ चीज़ें रखनी है. अब यहाँ पर जो चीज़ हमारे काम की है, उन्होंने कहा कि यहाँ से पॉइंट आपका शुरू होता है. आपने कैश पेमेंट इक्विटी शेयर्स को आपने कंसीडर करना है. ऊपर जो सारी बात की हुई है ये डिबेंचर्स की हुई है, उसके अलावा ये फिर डिबेंचर्स की हुई है. जब हम इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे होते हैं तब हम तमाम के तमाम जो शेयर्स रिलेटेड या कैश रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं सिर्फ उन्हीं को देख रहे होते हैं. अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि $16 आपको मिलेंगे पर शेयर इन कैश, यानी आपको पेमेंट ऑफ₹16 पर शेयर, जितने भी आपके शेयर्स होंगे हर शेयर के बदले आपको ₹16 कैश की फॉर्म में मिलेगा. एंड अलॉटमेंट ऑफ वन प्रेफरेंस शेयर, आपको एक प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा ऑफ ₹10 का ईच, एंड 6 इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर मिलेगा एंड 6 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे फुली ऑफ ₹10 फुली पेड फॉर एवरी 4 शेयर्स इन राजनीगंधा लिमिटेड. अब यहाँ पे एक बात जो आप लोगों को समझानी है या आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि ये जो 4 शेयर्स की बात है, अगर हम स्टेटमेंट को एज इट इज़ पढ़ें तो हमें लगता है कि सिर्फ 6 शेयर्स के बदले 4 शेयर्स मिलेंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे जो एंड लिखा है ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है. 14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 एंड 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड फॉर एवरी 4 शेयर इन राजनीगंधा लिमिटेड, यानी आपने जो एक्टिविटी करनी है एक प्रेफरेंस शेयर की और 4 इक्विटी शेयर की, 6 इक्विटी शेयर्स की एक्टिविटी करनी है. ये आपको एक प्रेफरेंस शेयर्स कब मिलेंगे या 6 इक्विटी शेयर्स कब मिलेंगे, जब आप 4 शेयर के मालिक होंगे राजनीगंधा लिमिटेड में. अब ये बात जब आप सिर्फ इसे पढ़ रहे होंगे ना आपको समझ नहीं आएगी. लास्ट लाइन से हम बात अपनी न्यूमेरिकल को कंक्लूड करके इसके बाद इसकी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं कि द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ वेंडर कंपनी आर 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड. अब जो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ वेंडर कंपनी है वो कितने हैं, टू लाख शेयर्स. ठीक है, अब हम यहाँ पे परचेज कंसीडरेशन के कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे 2 लाख शेयर्स हैं, हर शेयर के बदले आपको ₹16 मिलने थे कैश पेमेंट. कैश पेमेंट कैसे निकालेंगे, 2 लाख शेयर्स को मल्टीप्लाई 16 कर लेंगे. उसके बाद वो कहते हैं आपको 2 लाख शेयर्स हैं आपके पास, इसे डिवाइड बाय 4, यानी हमने जो पिछले इलस्ट्रेशन नंबर 2 में भी डिस्कशन की थी कि 4 के सेट के बदले आपको प्रेफरेंस शेयर्स कितने मिलेंगे, एक प्रेफरेंस शेयर मिलेगा फॉर एवरी 4, यानी आप 2 लाख शेयर्स को 4 पे डिवाइड करेंगे जितने यूनिट बनेंगे उसके बदले आपको एक प्रेफर्ड शेयर मिलेगा जिसकी वर्थ कितनी होगी, ₹10 की. ठीक हो गया. इसके बाद जो इक्विटी शेयर्स की बात की है, इक्विटी शेयर्स में भी यही है कि 2 लाख शेयर्स जो हैं ऑफ ऑफ एवरी 4 शेयर के बदले 6 शेयर्स मिलेंगे ऑफ ₹10. अब मैं दोबारा आपको स्टेटमेंट पढ़ा देता हूँ ताकि आपके पास चीज़ें क्लियर हो जाएं. यहाँ पे सिर्फ समझते वक्त चीज़ें मुश्किल नज़र आ रही हैं लेकिन हैं आसान. उन्होंने क्या कहा था, ₹16 आपको कैश की फॉर्म में मिलेंगे एंड अलॉटमेंट ऑफ 14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10, यानी एक प्रेफरेंस शेयर मिलेगा एंड 6 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे ₹10 के फुली पेड फॉर एवरी 4 शेयर्स इन गंधारा, यानी अगर आप 4 शेयर्स देंगे अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को 4 पे डिवाइड करेंगे जितने यूनिट मिलेंगे उसके बदले आपको एक प्रेफर्ड शेयर मिलेगा और 6 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, एक प्रेफर्ड शेयर मिलेगा और 6 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे. अगर हम इस बात को कंसीडर करें
अब हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल पैसे बनेंगे कितने। ये आपका बन गया 32 लाख रुपीस, ठीक हो गया। ये आपका बन गया 5 लाख रुपीस, और ये आपका बन गया 30 लाख रुपीस। तो टोटल कितने बन गए, 30 एंड 62, 62 एंड 67 लाख रुपीस, ठीक है। अब यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ, और उसके बाद हम अपना आगे की कंसीडरेशन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे उन्होंने आपको क्या कहा है, उन्होंने कहा 32 लाख आपको कैसे मिले हैं, 16 रुपीज़ पर शेयर आपको 2 लाख शेयर्स के बदले मिलने हैं। तो यानी हर कैश पेमेंट कितनी है, 16 रुपीज़ मल्टीप्लाई 2 लाख शेयर्स, ये 32 लाख तो आपके इसके बन गए, ठीक हो गया। फिर 1 प्रेफरेंस शेयर, अब यहाँ पे देखें 1 का कॉन्सेप्ट नहीं आया, लेकिन क्योंकि 1 है तो मल्टीप्लाई 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है। 2 लाख शेयर्स को 4 पे डिवाइड किया और एक शेयर मिलेगा प्रेफरेंस शेयर, और उसकी वर्थ कितनी होगी, 10 रुपीज़ की, तो 5 लाख आपको उसके मिल गए। इक्विटी शेयर्स कितने मिलने हैं, 6। अगर आपके पास 4 शेयर्स हैं, ये जो रजनीगंधा कंपनी के अंदर अगर आपके 4 शेयर्स हैं, उनके बदले आपको 6 शेयर्स मिलेंगे। यानी आप अपने 4 शेयर्स देंगे, कैसे, 2 लाख शेयर्स को 4 पे डिवाइड कर दें तो आपको तकरीबन 5 लाख यूनिट्स मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई 6 शेयर्स आपको उसके बदले मिलेंगे, और मल्टीप्लाई 10 रुपीज़ करेंगे तो आपके पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 लाख रुपीज़ की, और जो टोटल अमाउंट आपकी बन जाएगी 67 लाख। डेट इज़ बेसिकली द परचेज कंसिडरेशन एंड वी हैव कंक्लूडेड द इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है पूल ऑफ इंटरेस्ट को क्रिएट करने का, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।